सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे सुबह 11 और जैसा कि छत पे हैं और 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि हम हर ब्लॉग में बोलते थे ना कि ठंडा खत्म हो गया, गर्मी आ गया, अब छत पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, धूप में नहीं जाना। तो परसों शाम को जो ठंड है मेरे कान में आके बोल के गया कि भाई तुम्हारा ठंडा भी गया नहीं है, अभी हम जिंदा हैं, ऐसा बोल के छू के चला गया। तो वैसे 2 दिन से बेड पे पड़े हुए थे, इतना गंदा सर्दी, इतना गंदा, मतलब बॉडी पेन हो रहा था, फीवर थोड़ा थोड़ा आ गया था और सर्दी और ज़ुकाम तो भाई पूछो मत। रात को सो नहीं पा रहे थे, ऐसा हुआ था तो सीन था। और कल ट्राई भी किए थे ब्लॉग बनाने का लेकिन हो नहीं पा रहे, मतलब बोलने जा रहे थे तो समझ सकते जिसको ज़ुकाम हुआ होगा उसके साथ क्या होता है। तो 10 बार ट्राई किए थे सुबह को ऊपर आके, तो नहीं हुआ था तो छोड़ देते हैं। तो आज फाइनली कर रहे, और अभी का सीन है कि मेरा सब कुछ हो गया है और अभी हम ठीक भी, पहले से तो बहुत ज़्यादा ठीक है। और परसों से तो ऊपर धूप धूप में भी आ रहे, तो अभी उसी के इसलिए आए, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आए थे तो थोड़ा थोड़ा धूप सेकते हैं, उसके बाद जाते हैं नीचे और देखते सब क्या कर रहे हैं। तो चलते, बैर के सीजन आ गया माँ। कितना ले रही है? 1 किलो, 1 किलो बैर। सब लाल पकल पकल ले रहे हैं। सो अभी बज रहा है 12:30 और अभी पंडा बैठेंगे और ट्रैक करेंगे कि बिना किसी डिस्टरबेंस के, इसलिए गेट भी लगा देता है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और कंटिन्यू पढ़ने का कोशिश करेंगे 4 बजे तक ट्राई करेंगे। तो पंडा बैठते हैं, मिलते हैं 4 बजे के बाद। So, अभी बज रहा है 1:33 या 1:35 कुछ करके हो रहा है, ठीक है, मतलब 1 घंटा हो गया, 12:30 स्टार्ट करते हैं और 1:30 हो रहा है, तो मतलब कंटिन्यूस 1 घंटा पड़े, ठीक है अभी, और अभी कंटिन्यूस 1 घंटा बोले भाई, मतलब रुके ही नहीं, नॉन स्टॉप बोलते गए बोलते गए बोलते गए। तो अभी 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो गया, कंप्लीट एकदम, ठीक है। तो अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और आज उस दिन हम बोले थे ना कि 1 शॉट का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो सही बोल रहे हैं, मतलब अनअकैडमी से देख रहे थे भाई, रद्दी भर कुछ समझ में नहीं आया, तो जो पढ़े हो ना उसको देख के लग रहा था ना कि हम मतलब क्या ही कुछ पढ़े हैं कि नहीं, तो ऐसा फालतू बता रहा था, रद्दी टाइप, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, हमको समझ में नहीं आया क्योंकि सबका वे ऑफ पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है सबका, ठीक है। तो वे ऑफ टीचिंग उसका हमको उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, जिसका भी देख रहे थे हम, पता नहीं। तो इसलिए सोचे, खुद से डिसाइड किया कि जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स बहुत ही खतरनाक बनाए हम, ठीक है, तो उस हिसाब से सोच रहे थे कि उसी को देख लेते तो हो जाएगा मेरा रिवाइज। तो कन्फर्म 4 चैप्टर के बाद कहीं से भी कोई भी पूछ देगा ना तो फटाफट से बता देने वाले हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर कन्फर्म हो गया रिविज़न, ठीक है, ऐसे हमको सारा पता है लेकिन एक रिवाइज मार रहे हैं ना, तो ऐसा हो गया। तो हम थोड़ी देर में फिर से बैठेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर फिर से बैठना है पढ़ने, तो 1 घंटे मतलब थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे तो नॉन स्टॉप बोले थे लेकिन नॉन स्टॉप ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि हम कोई अदर सब्जेक्ट जैसे क्वांट पढ़ रहे थे उसका थोड़ा एक लेक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बज रहा है 3 और जैसा कि दिख रहा है कि वो पढ़ रहे थे और लाइट चला गया, रूम बंद करके पढ़ रहे थे तो लाइट चला गया, इसलिए तो दिख नहीं रहा, तो अभी थोड़ा खोले तो थोड़ा रोशनी आ रहा, तो लाइट आने का वेट करते हैं। और ऐसा है कि इन्वर्टर है मेरे घर में, पता ही है सबको, तो इन्वर्टर है और ये इस रूम में जो सीफिल था वो बाहर साइड चला गया, इसलिए यहाँ नहीं, तो यहाँ पर ला के लगाना पड़ेगा ताकि इन्वर्टर मतलब जब भी लाइन कटे तो प्रॉब्लम ना हो हमको। तो देखते हैं जब तक आएगा तब तक बैठते। कहाँ हुआ दादी? पीछे नहीं सी बैठा
ऐसे बाहर गुमसुम गुमसुम का बैठा कौन हमको लग बाहर बैठा ऐसे गुमसुम तो अंदर आएगा अभी जस्ट आता है ठीक बैठे बैठे सो अभी बज रहा है 4:20 हो गया साढ़े मतलब 4 घंटा से थे ना रूम में हाँ तो अभी बोला था कि मम्मी पहले 7 से 11 बजे तक लेती थी ना तो कोई नया सीरियल आने वाला है कितने बजे देने वाला 5 बजे तो 6 बजे से शिफ्ट हो गई है 5 बजे से 5 बजे से बैठेगी 11 बजे तक ना माँ कौन सा सीरियल है पुराना सीरियल था ना तो पहले लगता देखती थी ना हाँ तो 5 से 11 बैठेगी मतलब टाइमिंग बढ़ते जा रहा है मम्मी का ठीक है कीप इट अप और पापा खाना खा रहे हैं अभी जस्ट सो अभी बज रहा है 5 और जैसे दोनों दादी और मम्मी बैठ चुकी है सीरियल देख रही है जैसा कि 5 जैसे नया सीरियल स्टार्ट होने वाला था कौन सा माँ सास भी कभी बहू थी ए ना तो वही स्टार्ट हो गया है और अब देख रही है तो देखने देते डिस्टर्ब नहीं करते और पल पल की खबरें मिलती रही है कि आज एग्जैक्टली देख लेते कि मम्मी के और दादी कितना घंटा देखती है तभी तो 5 बजे आज से नया सीरियल स्टार्ट हुआ था आज से देख रही है तो देखते हैं सो अभी बज रहा है 7:30 और मम्मी अभी तक बैठी हुई है हटे और मम्मी के साथ पापा भी बैठ गए और दादी भी है अवान में भी आ गए है मतलब सबको बैठ के देख रहा है हम नहीं देखे हम तो अभी बाहर से हम अवान भैया बाकी सबको देख ही रहा था दादी इज प्रूफ नॉन स्टॉप 5 बजे से देख रहे हैं दादी 5 बजे 7:30 हो गया अभी कितना टाइम जाता है कब पता चलेगा भागी भागी देख भाग रही भागी सो अभी बज रहा है 10:10 ना अनुपमा 10 बजे जाता है तो अभी बजा 10 जैसे कि पापा भी देख रहे हैं आदमी भी देख रहे हैं मस्त तो पूरा चिपक के देख रहे हैं खाते हुए उधर दादी है और ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं देख रही है वहां से छुप के देख रही है लेकिन देखना जरूर है और बता दे कि पापा भी देखते हैं सीरियल लेकिन उतना नहीं जितना मम्मी देखती है पापा मतलब जब बाहर से आते हैं ऐसा 8 बजे के बाद से आते हैं ना तो उसके बाद से आते हैं तब बैठते हैं पापा का भी अनुपमा फेवरेट है ना पापा पापा भी इधर देख के बोले पापा देखते हैं ना अनुपमा देखते ना अनुपमा हमको पता नहीं है हमारी पहली बार देखने के बाद रिव्यू दीजिएगा भैया इस कन्फ्यूजन में किसका स्टोरी क्या वही समझ रहे ना नहीं इसमें अगर ये दोनों हीरो हीरो ना तो हीरो जो है उसका मैच का लग रहा है ज्यादा इसका नहीं उसका दूसरी बार शादी मतलब 25 साल का बच्चा की माँ है वो मतलब रूम में बैठ रहे थे इतना फुल शॉट रहता ना कि इन लोग का देखेंगे नहीं ना फिर पता चल जाता स्टोरी है ना माँ तो मतलब सब कोई अनुपमा का ही फैन है भाई तो वो सब्जी है चल रहा है तो सो अभी बज गया है 12 और सब कोई टीवी बंद हो गया सीरियल खत्म सीरियल तो 11 बजे खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो गया सब अपना अपना जगह पे चला गया और आज आनंद भैया साथ में रहने वाले हैं और थोड़ा देवदास वाला फीलिंग काहे ला रहे भैया ओए देवदास वाला फीलिंग काहे ला रहे हैं सजना क्या कर रहे भैया ऐसे कौन करता है तो यही सीन है आज अंदर रुकने वाले और हम लोग कल मॉर्निंग वॉक पे जाने का डिसाइड किया चलेगा ना हाँ बोल रहे हैं भले ऐसे से करके हाँ बोल रहे हैं लेकिन हाँ बोल रहे हैं तो जाएंगे साथ में 6:30 बजे देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं उठ पाएंगे तो जाएंगे तो अभी फटाफट से वीडियो एडिट करते हैं और अपलोड में लगा देंगे और फिर तब तक के लिए मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय टाटा बाय।